डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में तीन रुकावटें, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पुणे, मुंबई और अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। डिप्रेशन आमतौर पर बहुत कॉमनली दिखाई देता है। डिप्रेशन एक तो केमिकल इम्बैलेंस, केमिकल लोचा है, उसके वजह से आया हुआ है, जिसको एंडोजेनस डिप्रेशन या मेजर डिप्रेशन बोलते हैं, या फिर बाहरी कोई तान तनाव आ गया, फाइनेंशियल लॉस है, रिश्तों में खराबी आ गई है, या ऐसा बाहर कुछ कारण है, फेल हो गए हैं, ऐसा कुछ भी कारण आ गया तो उसकी वजह से डिप्रेशन आ सकता है। अभी डिप्रेशन जब आता है उसको, तो एक तो क्या है, पहली रुकावट जो है वो है मरीज की खुद की। मरीज खुद मैं डिप्रेशन का पेशेंट हूँ ये मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि डिप्रेशन बोले तो उसको लगता है कि मैं मन से कमजोर हूँ। डिप्रेशन एक स्टिग्मा हो सकता है। डिप्रेशन अपने फैमिली में आ गया, लोगों को मालूम पड़ा तो कैसा होऊंगा, इसलिए वो बाहर बोलता नहीं है। और सबसे गहरी बात ये होती है कि नहीं भाई, डिप्रेशन मतलब मैं उसको फेस नहीं कर सक रहा है, जो समस्या आई हुई उसको फेस नहीं कर पा रहा, मतलब मैं कितना कमजोर हो गया हूँ, ऐसा मान लेना, और वो मानता ही नहीं है। और इसके वजह से पेशेंट खुद डिप्रेशन का इलाज करने के लिए कतराता है और वो डॉक्टर के पास में जाएंगा नहीं, खुद होके उसका इलाज करने की कोशिश करेगा और उसमें फिर लेट हो जाता है। नंबर दो, समझो वो जब बोलता भी है तो घर के लोग जो है वो उसको दबा देते हैं, तू ज़्यादा सोच रहा है, इतना मत सोचा कर, अपना मन बहला ले, कहीं घूमने चले जा, चलो अपन बाहर घूमने जाते हैं, चलो खाना खाने चले जाएंगे, कुछ समझा देंगे उसको, ऐसा कुछ ना कुछ घरेलू उसका इलाज करेंगे, उसको डॉक्टर की तरफ जाने देंगे नहीं। एक तो उनको डर लगता है कि डॉक्टर की तरफ जाना, डिप्रेशन है ऐसा बोल के डॉक्टर तक जाना, एक तो फिर सोशल स्टिग्मा का सवाल है, सामाजिक अभिशाप है कि नहीं डिप्रेशन हुआ, या फिर उनका मतलब उनको इतना एजुकेशन नहीं, नॉलेज नहीं कि भाई जल्दी लेकर गए तो जल्दी इलाज हो सकता है डिप्रेशन के पेशेंट का, तो फिर घर के लोग भी उसको जाने देंगे नहीं। और एक सवाल आ सकता है कि नहीं बाहर जाएंगे तो खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, हो जाएगा, लोग देखेंगे तो क्या होगा, खर्चा भी होगा, लोग भी देखेंगे, सोशल भी स्टिग्मा है, और ज़्यादा सोचने से ऐसा होते रहता है, चलो अपना मन बहलाओ ठीक हो जाएगा, ऐसा करके उसको जाने देंगे नहीं घर के लोग। तीसरी रुकावट जो आती है, ये दोनों को पार करके समझो पेशेंट जाता भी है तो कहाँ जाएंगे, पहले अपने फैमिली फिजिशियन की तरफ जाएंगे। वो हो सकता है कि होम्योपैथी तज्ञ हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी है, एलोपैथी है, कोई डॉक्टर के पास में जाता है तो वो पहले उसको दवा दे देता है अपने पास की। अब वो कोई स्पेशलिस्ट नहीं, वो साइकेट्रिस्ट नहीं है, पेशेंट जाता है उसके पास में, भूख लगती नहीं है, नींद नहीं आती, बदन में दर्द है, उसके लिए वो उसको कोई दवा देगा, वो भी कम मात्रा में होंगी, वो साइकेट्रिस्ट जिस तरह से उसका इलाज करेंगे उस तरह से इलाज करने में वो स्पेशलिस्ट नहीं है और उसका इलाज वैसा होता नहीं है। समझो वो बोलता भी है कि नहीं आप साइकेट्रिस्ट की तरफ जाओ, तभी पेशेंट जाएगा नहीं या जाएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं, इसलिए फिर उसका जो फैमिली फिजिशियन है वो भी बोलता नहीं, और बोला कि जाओ तो पेशेंट जाएगा इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि वो बोलते कि नहीं नहीं अपने को तो ऐसा कोई इतनी बड़ी बीमारी हुई नहीं है, साइकेट्रिस्ट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, और इसलिए वो डॉक्टर को अपने फैमिली फिजिशियन को छोड़ के और कहीं चले जाएगा। इसलिए छोड़ के जाएगा करके, या अपन पेशेंट खुद का गंवाएंगे करके, या इतनी कोई जरूरत नहीं है साइकेट्रिस्ट भेजने की करके, ऐसा करके खुद ही फैमिली फिजिशियन उसका इलाज करेगा। ये सब पार करके साइकेट्रिस्ट की तरफ बाद में पेशेंट आता है, जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है और फिर साइकेट्रिस्ट उसको दवा देगा तब तक काफ़ी समय निकल जाता है, इसलिए साइकेट्रिस्ट की तरफ जल्दी से जल्दी जाना जरूरी है। डिप्रेशन के जो लक्षण है, एक है उदासीनता, एक है लैक ऑफ प्लेजर, मतलब मजा नहीं आना कोई बात में, एक है लैक ऑफ इंटरेस्ट, कोई इच्छा नहीं होना कुछ करने की, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, बदन में दर्द है, रोना आना, खुदकुशी करने की इच्छा होना, ऐसे जो कार्डिनल सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के वो दिखते हैं, तो कुछ विचार न करते हुए पहले ही तुरंत स्पेशलिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना जरूरी है। आपके आजू बाजू में किसी को भी ऐसे इस तरह के लक्षण थोड़े भी दिखाई देते हैं तो तुरंत उनको साइकेट्रिस्ट की सलाह लेने के लिए बताइएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।